Hello everyone, welcome back to the commerce classes. Today's topic is performance appraisal. What do you mean by performance appraisal and what is the importance of performance appraisal? Yahi apan discuss karenge is video lecture ke andar. So performance appraisal bolo, performance review bolo, performance evaluation bolo ya merit rating bolo, it's one and the same thing. ये एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं. तो परफॉर्मेंस अप्रेजल को अपन परफॉर्मेंस रिव्यू भी बोल सकते हैं, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी बोल सकते हैं और साथ में मैरिट रेटिंग भी बोल सकते हैं. परफॉर्मेंस अप्रेजल होता क्या है? फॉर एग्जांपल, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गई, मेरी जॉब लगी, मैंने पूरा, मुझे ऑब्जेक्टिव्स बताए गए कि मुझे पूरा साल भर किस तरीके से काम करना है, क्या क्या पॉलिसीज का ध्यान में रखना है, कितनी मेरी अटेंडेंस होनी चाहिए, मुझे कितनी लीव मिलनी चाहिए, मुझे हर चीज़ बताई गई कि मेरे क्या क्या गोल्स हैं, मेरे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मुझे फुलफिल करना है. मैंने पूरा साल भर उन ऑब्जेक्टिव्स पे काम किया, मैंने मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करी बाय द टाइम, तो बाय द एंड ऑफ द ईयर मेरी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट होना जरूरी है, मेरे परफॉर्मेंस को अप्रेजल मिलना जरूरी है. इसका बेसिक मतलब ये होता है, आपने जो भी काम किया है पूरा साल भर पूरे ड्यूरेशन के अंदर, उसको देखना कि आपने वो किस तरीके से किया है, कितने अच्छे तरीके से किया है या नहीं किया है. आपके 10 ऑब्जेक्टिव्स हमने आपको दिए थे, तो क्या आपने वो 10 के 10 मीट करें या उनमें से सिर्फ 5 ही आप मीट कर पाए. उसके बेसिस पे हम आपका परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करके और अप्रेज करते हैं. अप्रेज का मतलब ये हो गया, उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपका ट्रांसफर होगा, उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपका प्रमोशन होगा, उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपका सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको बेनिफिट्स दिया जाएगा. इट मींस आपने किस तरीके से पूरा साल भर काम किया है उसको इवैल्यूएट करना और उसको अप्रेज करना ही परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है. देखिए, प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस ऑन द जॉब, उनकी क्या परफॉर्मेंस थी जॉब पे, उस प्रोसेस को इवैल्यूएट करना ही परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है. अब आपकी परफॉर्मेंस को कौन अप्रेज करेगा, आपकी परफॉर्मेंस को कौन इवैल्यूएट करेगा? आपकी परफॉर्मेंस को हरदम क्वालिफाइड पर्सन, इट मीन्स आपका जो सुपीरियर सुपरवाइजर है आइदर वो इवैल्यूएट करेगा, मैनेजर इवैल्यूएट करेगा, तो मींस जो जिसके अंडर में आप काम करते हैं वो आपका परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करके बताएंगे कि आपने कितने अच्छी तरीके से थ्रू आउट द ईयर वर्क करा है. उसको अपन कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल. इसके बेसिस पे आपको ये पता चलेगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या वीकनेसेस रही है पूरा साल भर और क्या क्या स्ट्रेंथ्स रही है, क्या क्या काम आपने अच्छे से किया है, क्या क्या काम आपने अच्छे से नहीं किया. ये बहुत ज़रूरी होता है. क्यों? क्योंकि अगर साल भर मैंने काम किया है ऑर्गेनाइजेशन में तो मुझे पता होनी चाहिए मेरी स्ट्रेंथ्स और मेरी वीकनेसेस, मैंने कहाँ पे लैग करा है और मैं कहाँ पे मूव फॉरवर्ड हुई हूँ बाकी एम्प्लॉय से, ताकि मैं आगे मेरे फ्यूचर में उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम करूँ. हर कोई ऑर्गेनाइजेशन में जाता है वो आइदर यही चाहता है कि मैं एक मैनेजर बनूँ, मैं मेरा प्रमोशन हो, तो वो प्रमोशन, वो ट्रांसफर, वो सब आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे होता है. जब आपकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट होती है, आपका परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाता है, तब वो सब चीज़ें होती हैं. तो यही होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल. क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल करना होता है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब ये है, परफॉर्मेंस अप्रेजल करने के बाद में, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के बाद में मैनेजर ये आइडेंटिफाई करता है कि कितने एम्प्लॉयज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से वर्क कर रहे हैं और कितने अच्छे से वर्क नहीं कर रहे, किसकी प्रोडक्टिविटी एकदम लो जा रही है. जिसकी प्रोडक्टिविटी एकदम लो जा रही है तो उसको ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया जाता है या उसे डिमोशन कर दिया जाता है. तो जब ऑर्गेनाइजेशन से वो एम्प्लॉय निकल जाएगा, अब वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो आपको HRP करने की ज़रूरत पड़ेगी. इट मीन्स आपको ये देखना पड़ेगा कि अब हमें कितने नए एम्प्लॉयज की और ज़्यादा रिक्वायरमेंट होने वाली है. जब आप ये देख रहे हो कि ये 10 एम्प्लॉयज़ हैं, ये 10 एम्प्लॉयज़ से 100 प्रोडक्शन नहीं बन पा रहा है, 100 यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है, जब आपने उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल किया, परफॉर्मेंस को देखा, तो इट मीन्स आपको ये पता चल गया कि आपको और एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी. तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में परफॉर्मेंस अप्रेजल आपको हेल्प आउट करता है. द अदर वन इज एनहांसिंग एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस.
जब हमें पता चलेगा कि किस तरीके से हम वर्क कर रहे हैं, हमारी एम्प्लॉय हमें एनहांसमेंट मिलेगी, हमारी परफॉर्मेंस को एनहांसमेंट मिलेगी, तो हमें मोटिवेशन फील होगा, हमें एक वर्क एनवायरमेंट अच्छा बनेगा, एक अच्छे वर्क एनवायरमेंट से हम मोटिवेट होंगे और अच्छे से और ज़्यादा वर्क करेंगे. क्यों? क्योंकि मेरे मैनेजर ने मुझे अप्रेज किया है, मेरा इंक्रीमेंट किया है, मुझे बेनिफिट्स दिए हैं, मुझे शाबाशी दी है. इससे मेरा क्या होगा, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस और ज़्यादा बेटर इम्प्रूव होती चली जाती है. उसके बाद आता है कॉन्ट्रीब्यूट्स टू प्रोडक्टिविटी. इट मीन्स कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहेगी आप लोगों के बीच में, आपकी प्रोडक्टिविटी और इम्प्रूव होगी. अभी आप सिर्फ 100 यूनिट्स बना देते, देन यू केम टू नो कि मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मेरे मैनेजर ने मुझे अप्रेज किया है, तो आप 120 यूनिट बनाने के लिए काम करेंगे. इट मीन्स आप जो पहले आपकी प्रोडक्टिविटी थी उससे ज़्यादा अब इंक्रीज होगी. इस वजह से परफॉर्मेंस अप्रेजल करना जरूरी होता है. उसके बाद आता है डिटरमाइनिंग ट्रेनिंग नीड्स. डिटरमाइनिंग ट्रेनिंग नीड्स का सिंपली मीनिंग यही होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि कौन एम्प्लॉयज अच्छे से वर्क नहीं कर रहे, वो लोग कहाँ पे लैक कर रहे. जहाँ पे वो लैक करेंगे आप उनको वहीं पे ही ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे. आपको ये पता चल जाएगा कि इनसे ये वाली यूनिट प्रोड्यूस नहीं हो रही है, ये इस टेक्निक पे वर्क नहीं किया जा रहा है, बाकी में वो अच्छे से काम कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि एम्प्लॉय को किस चीज़ में आपको ट्रेनिंग देनी है और किस चीज़ में वो बेटर है. तो ट्रेनिंग की नीड्स पता चलती है अपन जब परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं तब. एंड द लास्ट इज एड टू पर्सनल डिसीजंस. मैं बीइंग अ मैनेजर मुझे कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं. मुझे ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है किसका ट्रांसफ़र करना है, किन एम्प्लॉयज का प्रमोशन करना है, किन एम्प्लॉयज़ का इंक्रीमेंट करना है, कौन से एम्प्लॉयज अच्छा वर्क नहीं कर रहे तो उनका डिमोशन करना है. वो मैं कैसे कर पाऊँगी परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू. जब मैं उनका परफॉर्मेंस को इवेलुएट करूँगी तब मुझे पता चलेगा कि हाँ, दीज आर द एम्प्लॉयज जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनका अप्रेजल होना जरूरी है, इनको प्रमोशन मिलना जरूरी है. देन मैं ये इसलिए ये पर्सनल डिसीजंस के अंदर काम आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल. तो परफॉर्मेंस अप्रेजल हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है. इट डिपेंड्स टू ऑर्गेनाइजेशन कि वो 6 मंथ्स के लिए हो रहा है, 6 मंथ में आप कर रहे हो, 1 ईयर में आप कर रहे हो, और ये आपका मैनेजर या सुपरवाइजर जो भी हेड HOD रहेगा वो आपका परफॉर्मेंस को इवेलुएट करेगा आपके ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे, आपके पूरे साल भर के काम के बेसिस पे, और उसके बेसिस पे वो अपने डिसीजंस आपको लेकर आगे फर्दर बनाएगा. तो ये था अपना व्हाट डू यू मीन बाय परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड व्हाई इट इज अ नीड इंपॉर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ यू रियली लाइक इट देन डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर. थैंक यू.